हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो हम सीख रहे थे जो रिएक्शंस होती हैं बायोकेमिस्ट्री में, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले जो प्रीवियस पार्ट था, जो मेरा पार्ट वन था, उसमें मैंने आपको एंड पॉइंट केमिस्ट्री के बारे में समझाया था कि एंड पॉइंट रिएक्शन क्या होती है। आज हम बात करने वाले हैं जो काइनेटिक रिएक्शन है और फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन है, उस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि काइनेटिक रिएक्शन क्या होती है और फिक्स टाइम काइनेटिक रिएक्शन क्या होती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को ज़रा लेंथी ना बनाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं काइनेटिक रिएक्शन। सबसे पहले हम काइनेटिक रिएक्शन पर बात करेंगे। तो दोस्तों, काइनेटिक रिएक्शन पर जाने से पहले मैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा एंड पॉइंट पे, तो आपको ये वीडियो इजीली समझ में आएगा। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों, पहले उस वीडियो को जाकर देखें, फिर इसे आप देखें। तो दोस्तों, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एंड पॉइंट केमिस्ट्री होती है दोस्तों, जो एंड पॉइंट केमिस्ट्री होती है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री रिएक्शन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक होता है एंड पॉइंट रिएक्शन, सेकंड वन काइनेटिक, थर्ड वन इज फिक्स्ड टाइम रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों, मैं इसको अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ एंड पॉइंट को, फिर भी मैं आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस पर क्या हमने सीखा था। तो दोस्तों, जो एंड पॉइंट केमिस्ट्री थी, उस पर हमने देखा था कि एक तो एंड पॉइंट केमिस्ट्री में हमने देखा था कि इस पर इनक्यूबेशन पीरियड होता है। क्या होता है? इनक्यूबेशन टाइम होता है, ठीक है, टाइम होता है। ठीक, इस पर क्या होता है, हमको देखने को मिलता है इसका। जैसे ग्लूकोज का मैंने एग्जांपल दिया था कि उसमें 15 मिनट उसका इनक्यूबेशन होता है। प्रोटीन का दिया था यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और टीजी, इनके क्या हैं, सब एंड पॉइंट केमिस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। और दूसरी चीज़ इसमें क्या देखने को मिलती है हमको, इसमें ग्राफ फॉर्म नहीं होता है दोस्तों। ग्राफ जो होता है, जैसे हमारी बाकी टेस्टों में, जैसे एंजाइम्स है हमारा, एजीओटी एजीबीटी, इसमें आप देखते हैं कि इसमें ग्राफ दिखता है हमको। और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जैसे CRP हो गया, उसमें हमें ग्राफ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, लेकिन जो एंड पॉइंट केमिस्ट्री होती है, उसमें हमें ग्राफ देखने को नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टैंडर्ड लगता है दोस्तों। मैं पिछली वीडियो में शायद आपको बताना भूल गया था, स्टैंडर्ड इस पर क्या होता है, हम स्टैंडर्ड पर इसको मेजर करते हैं, कंपेरिजन होता है स्टैंडर्ड के साथ। तो हम इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके हमारा जो रिजल्ट है, पेशेंट के ग्लूकोज का जो रिजल्ट है, वो उसके साथ कंपैरिजन होके हमें मिलता है। ठीक है, और थर्ड जो चौथा है दोस्तों, वो है इस पर हमें क्या कहते हैं, इमीडिएट क्या होता है, इमीडिएटली रिजल्ट हमें मिलता है। और इसमें ओनली एक रीडिंग ली, वन रीडिंग लेता है, ठीक है, एक ही रीडिंग लेगा। ठीक है, कैसे एक रीडिंग लेगा, जैसे हमें 15 मिनट का इंक्यूबेशन होता है, उसके हम तुरंत लगाते हैं, तो एक ही रीडिंग हमें 5 सेकंड में दे देता है। ठीक है, तो ये था हमारा एंड पॉइंट केमिस्ट्री में जो चीज़ें आती हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक, हमने ये सीखा था कि एंड पॉइंट केमिस्ट्री में मैंने ग्लूकोज का एग्जाम्पल देके आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज, जब हम रिजेंट ग्लूकोज का जो रिजेंट आता है, उसमें हम जब पेशेंट का सैंपल डालते हैं 20 माइक्रोलीटर, तो वो रिएक्ट करता है और उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15 मिनट, उसमें जितना भी ग्लूकोज हमारे पेशेंट के उस पर सीरम में होता है, वो सारा रिएक्ट करके वो सारा कंज्यूम हो जाता है। और फिर हम उसके बाद वो रिएक्शन आगे को नहीं बढ़ती है, वहीं पर स्टॉप हो जाती है। ठीक है, 15 मिनट के बाद, फिर उसके बाद जैसे ही रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, तो हम उसके बाद अपने सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में उसको
परफॉर्म करते हैं और पेशेंट की रीडिंग हमें मिलती है, ठीक है। और रीडिंग कैसे मिलती है, जो हमारा स्टैंडर्ड है दोस्तों, स्टैंडर्ड के साथ वो कंपेरिजन करके हमें रिजल्ट हमारा सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर देता है, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर है ना। तो आज हम जो बात करेंगे वो है हमारा सेकंड, क्या है हमारा, काइनेटिक रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। सेकंड जो हमारा रिएक्शन है वो काइनेटिक रिएक्शन है। तो काइनेटिक रिएक्शन में दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये जो टेस्ट हैं दोस्तों ये इसके एग्जांपल हैं, जैसे ALT, चलो आपको मैं SGOT और ठीक है और SGPT, ठीक है SGOT SGPT, बहुत से लोगों को ALT AST में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है SGOT और SGPT, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, और अल्कलाइन फॉस्फेट ALP, ठीक है। और भी टेस्ट आते हैं दोस्तों जो क्या कहते हैं काइनेटिक में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं अपने सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में, तो देखा होगा सर दोस्तों आपने इनका कोई इनक्यूबेशन नहीं करते हैं हम, ठीक है, इनक्यूबेशन में नहीं रखते हैं हम, ठीक है। और ये क्या लगते हैं, डायरेक्ट लगते हैं, तुरंत इमीडिएट लगाने पड़ते हैं, इमीडिएटली इनको परफॉर्म करना होता है, ठीक, इमीडिएट इनको परफॉर्म करना होता है हमको। जैसे हमने पेशेंट का जैसे माना है सैंपल, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये पेशेंट का सैंपल है दोस्तों, और ये क्या कहते हैं किट है, SGOT की माना किट है। जैसे ही मैंने इसमें जब मैं लगाता हूँ तो मैंने इसमें 500 माइक्रोलीटर मैंने SGOT का रिजेंट डाला और इसमें से 50 माइक्रोलीटर मैंने इस पेशेंट का सैंपल डाला और इमिडिएटली हल्क मिक्स करके मैं उसको अपने बायोकेमिस्ट्री सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में रन कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद वो टाइम लेता है दोस्तों, तीन से चार मिनट के बाद हमें रीडिंग देता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हमें नंबर एक तो हमें इसका इंक्यूबेशन नहीं होता, नंबर दो इसमें इमीडिएट हमें लगाना होता है, ठीक है। तुरंत हमने रिजेंट डाला और हमने उस पर सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में उसको सक कराया, यानी कि परफॉर्म कर दिया, हमने इसको लगा दिया उस पर, ठीक है। फिर जो होता है दोस्तों इसमें ग्राफ्स होते हैं, हमें क्या होता है इसमें ग्राफ शो होता है, ठीक है, ये हमें ग्राफ शो करता है। लेकिन देखो इसमें कंपैरिजन आप जब आप करोगे एंड पॉइंट और काइनेटिक में, तो देखो हमने क्या देखा था, एंड पॉइंट में कोई ग्राफ शो नहीं होता है और इसमें और जो काइनेटिक है उसमें ग्राफ हमें देखने को मिलता है, और इसमें इमीडिएट हमें टेस्ट परफॉर्म करना होता है और इसमें इंक्यूबेशन और जो एंड पॉइंट है उसमें इंक्यूबेशन टाइम होता है हर टेस्ट का, ठीक है दोस्तों। और जो काइनेटिक होता है, काइनेटिक रिएक्शन होती है, उसमें कोई इंक्यूबेशन पीरियड उनका नहीं होता है, हमें इंक्यूबेट नहीं करना पड़ता सैंपल जो हमारा सैंपल है या जो हमारा टेस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखा इंक्यूबेशन नहीं होता है इसमें, इंक्यूबेशन नहीं होता है और ये टेस्ट इमीडिएट लगता है और इसमें ग्राफ शो होता है हमको, ठीक है। और ये रिजल्ट हमें कितने मिनट में, कितना इसमें कितनी रीडिंग लेते हैं हम, 3 से 4 रीडिंग हमको लेनी होती है, ठीक है। जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर होता है वो 3 से 4 रीडिंग लेता है, ठीक है। उन 3 से 4 रीडिंग का वो एवरेज जो एवरेज आएगा उसको मल्टीप्लाई करेगा हमारे फैक्टर से, ठीक है। देखिए ये यहाँ फैक्टर, देखिए यहाँ स्टैंडर्ड के साथ में जो एंड पॉइंट है उसमें स्टैंडर्ड के साथ हो रहा था, ठीक है, और यहाँ फैक्टर के साथ, ठीक है। यहाँ जो होगा कंपैरिजन जो होगा एंड पॉइंट में वो स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके हमें रिजल्ट मिल रहा था, और जो काइनेटिक होता है दोस्तों, जो काइनेटिक है हमारा काइनेटिक रिएक्शन, उसमें हमें फैक्टर के साथ जो एवरेज आएगा, 3 से 4 रीडिंग जब लेता है तो उसके बाद जो एवरेज आता है वो फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये 3 से 4 समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, माना मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कि मैं इस पॉइंट से चला, ठीक है, 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से मैं चला 10 किलोमीटर, ठीक, फिर यहाँ से मैं चला 15 किलोमीटर, ठीक है। तो अब दोस्तों जो मैं चला 15 किलोमीटर चला मैं
5 किलोमीटर चला माना मैं कितने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 15 मिनट में, ठीक है। और फिर अगले 5 किलोमीटर में चला आपका 15, यानी कि मैं अगला 10 मिनट में, ठीक है। और जो अगला 15 किलोमीटर है वो चला मैं 20 मिनट में, ठीक है। तो जो ये एवरेज है दोस्तों, ये टोटल टेस्ट में जो ये एवरेज आएगी, ये एवरेज क्या आएगी इसकी, जो एवरेज आएगी वो हमारा फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इनका एवरेज जो निकाले होगा वो हमारे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट देता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारा जो एंड पॉइंट केमिस्ट्री में जब हम देख रहे थे, उसमें हमारा जो इंक्यूबेशन पीरियड था 15 मिनट में, वो हमें टोटल रिजल्ट दे रहा था, ठीक है, किसके साथ कंपेरिजन करके, स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। उसमें एक ही रीडिंग हमें लेनी होती है, ठीक है, एक ही रीडिंग लेता है वो, और इसमें मल्टीपल रीडिंग हमारे हमें देखने को मिलती है, रिएक्शन हमें जो हमारे टेस्ट होता है वो मल्टीपल रीडिंग लेता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल रीडिंग, मल्टीपल रीडिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल रीडिंग हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और इसमें केवल एक रीडिंग लेता है, ठीक है, और हमें 5 से 10 सेकंड में हमें रिजल्ट मिल जाता है। और इसमें फैक्टर के साथ जो हमारा एवरेज आएगा वो फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें रिजल्ट मिलता है एंड पॉइंट केमिस्ट्री में, ठीक है। और जो हमारा सॉरी काइनेटिक केमिस्ट्री काइनेटिक रिएक्शन में एंड पॉइंट में हमारा स्टैंडर्ड के साथ कंपेरिजन होकर हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सबसे पहले एक तो इंक्यूबेशन टाइम होता है, इंक्यूबेशन नहीं होता है, क्या होता है जो काइनेटिक होता है उसमें इंक्यूबेशन नहीं होता है, और इमीडिएट लगाना होता है हमको सैंपल, रिजल्ट डाला, सैंपल डाला और इमीडिएट हमने अपने सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में परफॉर्म कर दिया। और इसमें ग्राफ हमें हमेशा शो होगा, ठीक है, क्योंकि अब इसमें ग्राफ शो क्यों नहीं होता, क्योंकि एक ही रीडिंग है उसकी कोई ग्राफ नहीं हो सकता, लेकिन इसमें मल्टीपल रीडिंग होती है तो कि कितने मिनट में कितना हमारी रिएक्शन हुई है, कितना प्रोडक्ट बनाया है, ये हमें बताता है, ठीक है, कितना रिएक्शन चली है। एक जैसे माना एक मिनट में रिएक्शन क्या कहते हैं कितनी चली, 2 मिनट उसके बाद 1 से 2 में कितनी चली, 2 से 3 मिनट में कितनी चली है रिएक्शन, और कितना प्रोडक्ट बना है, वो पूरा जो एवरेज होगा वो एवरेज को हमारा फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट देता है, किसमें, काइनेटिक में, ठीक है। इसलिए इसमें मल्टीपल रीडिंग होती है और इसमें सिंगल रीडिंग होती है, ठीक है, एक ही रीडिंग होती है इसमें, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमारा इंक्यूबेशन होता है, इमिडिएटली हमें लगाना होता है, ग्राफ इसमें शो होता है, और ये फैक्टर इसमें आपने कभी भी देखा होगा इसका स्टैंडर्ड नहीं लगता है, जैसे SGOT SGBT का आपने देखा, अल्कलाइन का भी स्टैंडर्ड नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है, जब सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में। लेकिन जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर होती है उसमें सभी का जो होता है उसमें कैलिब्रेशन होता है सभी टेस्टों का, और जो हमारे फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर होते हैं, ऑटोमेटिक एनालाइजर, उसमें आप क्या कहते हैं हमारा जो हर टेस्ट का ग्राफ आता है, ठीक है, और उसमें सारे टेस्ट क्या होते हैं काइनेटिक रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं सारे टेस्ट, चाहे ग्लूकोज हो, हर किसी का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा उसमें, हर टेस्ट का उसमें जो होता है काइनेटिक रिएक्शन होती है। लेकिन जो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में हम परफॉर्म करते हैं उसमें ये 3 रिएक्शन हमको देखने को मिलती हैं, एंड पॉइंट काइनेटिक और फिक्स टाइम रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। जो हमारा फुल ऑटोमेटिक होता है वो हर मतलब 10 सेकंड में हमें रीडिंग देते रहे, हर 10 सेकंड में रीडिंग देते रहता है, मल्टीपल रीडिंग उसमें हमें देखने को मिलती है हर टेस्ट की, और उसमें ग्राफ भी शो होता है, ठीक है, और उसमें हमारा कैलिब्रेटर का इस्तेमाल होता है पूरे उसको, जैसे हम स्टैंडर्ड लगाते हैं अपने सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में, लेकिन उसमें हमें कैलिब्रेटर हमें इस्तेमाल करते हैं, उसमें कैलिब्रेटर और कंट्रोल हम उसमें इस्तेमाल करते हैं अपने टेस्टों को सही रीडिंग लेने के लिए, हम उनमें उनको कैलिब्रेट करते हैं और कंट्रोल लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो ये सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में हमें 3 रिएक्शन देखने को मिलती है, इसमें देखने को मिलता है एंड पॉइंट, काइनेटिक और फिक्स टाइम। तो दोस्तों जो हमने एंड पॉइंट और काइनेटिक को समझ लिया है, तो अब हम बात करते हैं फिक्स टाइम क्या होता है दोस्तों। फिक्स टाइम रिएक्शन, ठीक है दोस्तों, फिक्स टाइम काइनेटिक दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसमें तो सबसे पहले इसका इंक्यूबेशन इसमें भी नहीं होता है, ठीक, इंक्यूबेशन इसमें भी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, और ये भी हमें इमीडिएट लगाना होता है, ठीक है, इमीडिएटली लगाना होता है, ठीक है। हमने पेशेंट का सीरम रिजन डाला, ठीक है, हमारी जो किट आती है, माना हम क्रिएटिन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम
क्या करेंगे कि क्रिएटिनिन का रिजन डाला हमने, माना हमने फाइव हंड्रेड माइक्रोलीटर मैंने इसमें क्या डाला, रिजन डाला, ठीक है, क्रिएटिनिन का, और 50 माइक्रोलीटर मैंने पेशेंट का सीरम डाला, ठीक है, और उसे डालने के बाद हल्के से मिक्स करके हम रन कर देते हैं उसको अपने सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें इंक्यूबेशन नहीं होता है, इमीडिएट लगता है। दूसरा इसमें स्टैंडर्ड होता है, इसका क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड होता है, लेकिन काइनेटिक में स्टैंडर्ड नहीं लगता है, आपने देखा होगा जीओटी या जीबीटी एल्कलाइन का, ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और ये दोस्तों ये एक से दो रीडिंग तक देता है, ठीक है, एक से दो रीडिंग। तो ये इन दोनों से कैसे डिफरेंस किए, ये कहीं ये दोनों से कुछ ना कुछ मैच करता है कहीं ना कहीं पे, जैसे इंक्यूबेशन इसका नहीं होता है और इमीडिएट लगता है, तो ये किससे मैच कर रहा है, काइनेटिक से, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है, हमारा एंड पॉइंट से, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड लगता है। और इसमें एक से दो रीडिंग ली जाती है, तो ये किससे मैच कर रहा है, हमारा काइनेटिक से, क्योंकि काइनेटिक में दो से ज़्यादा रीडिंग, मल्टीपल रीडिंग हम उसमें लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसका इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये है फिक्स टाइम केमिस्ट्री, जैसे हम क्रिएटिनिन जैसे हम टेस्ट लगाते हैं या फिर यूरिया हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये फिक्स टाइम के एग्जांपल हैं। इसमें दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन होती है दोस्तों फिक्स टाइम में, उसमें हमें एक से दो रीडिंग हमें देखने को मिलती हैं, और काइनेटिक में हमें तीन से चार मल्टीपल रीडिंग देखने को मिलती है, और हमारा जो एंड पॉइंट केमिस्ट्री है उसमें हमें ओनली वन रीडिंग हम लेते हैं और हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एंड पॉइंट क्या है और काइनेटिक क्या है और फिक्स टाइम क्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब हम इन टेस्टों को परफॉर्म करते हैं अपनी सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में, तो ये तीनों रिएक्शन हमको देखने को मिलती हैं। जैसे ग्लूकोज में हमको एंड पॉइंट रिएक्शन देखने को मिलती है, SGOT या GPT में हमको काइनेटिक रिएक्शन देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है, और हमें यूरिक एसिड में हमको फिक्स टाइम रिएक्शन देखने को मिलती है दोस्तों। तो फिक्स टाइम का मतलब ये है कि ये ना एंड पॉइंट का जैसा है, ना ये किसके जैसा है, काइनेटिक के जैसा, ठीक है, इन दोनों से ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत किसी किसी जैसे हमारा स्टैंडर्ड लगता है एंड पॉइंट में, तो इसमें भी लगता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका नहीं होता है, काइनेटिक में नहीं होता है, ठीक है, इमीडिएट लगता है, काइनेटिक भी इमीडिएट लगता है, स्टैंडर्ड हमारा एंड पॉइंट में लगता है, इसमें भी लगता है, ठीक है। तो ये इससे इन दोनों से क्या है, अलग है, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ों में ये क्या है, इनकी लगभग कहीं ना कहीं पर इनकी जैसा ही क्या कहते हैं रिएक्शन शो करता है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों मुझे कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।